सबसे पहले बात करते हैं भिकाजी ग्रुप प्रधान की। भिकाजी ग्रुप बीकानेरी भुजिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जहां भिकाजी ग्रुप का फूड प्लांट है वहां आसपास इतनी गंदगी और प्रदूषित पानी है कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल है। इसके बावजूद वहां भिकाजी के उत्पाद बनाए जा रहे हैं और जनता तक पहुंचाए भी जा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर और ज्ञानेश कुमार की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीकानेर की नमकीन और रसगुल्ले का नाम आते ही हर किसी के मुंह में पानी आने लगता है। खास तौर पर नमकीन की बात करें तो एक ब्रांड जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है बीकाजी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह बीकाजी के उत्पाद बनते हैं उस जगह के आसपास आप खड़े तक नहीं हो सकते। क्या हुआ, चौंक गए? लेकिन कुछ ऐसा ही खुलासा किया है आरटीआई एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर और ज्ञानेश कुमार ने। पोल्यूटेड जो पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है, प्रदूषित पानी जो है, उसका एक बहुत बड़ा तालाब बन रहा है। करीब 3 लाख मीटर एरिया जो है में ये तालाब है, इसमें कुछ एरिया जो है कवर हो गया, मिट्टी उट्टी डल गया, तो अभी जो है 1.5-2 लाख मीटर में पानी भरा हुआ है, प्रदूषित पानी है, बहुत गंदा पानी है। उसके पास में है भिकाजी की फूड प्रोसेसिंग यूनिट। भिकाजी जो इंटरनेशनल ब्रांड है और बीकानेरी भुजिया बनाता है, जो कि एक राजस्थान में ख्याति नाम है और पूरे विश्व के अंदर भुजिया के लिए एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, उसकी वहाँ पे एक प्लांट है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, वो वहाँ लगा हुआ है। महावीर सिंह और ज्ञानेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीकानेर के करनी विस्तार इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ भिकाजी का फूड प्लांट है, वहाँ आसपास की फैक्ट्रियों का गंदा और प्रदूषित पानी पिछले 25 साल से जमा हुआ है, जो लगातार भूजल को प्रभावित कर रहा है और उसी भूजल से ट्यूबवेल के जरिए भिकाजी फूड प्लांट में पानी की सप्लाई होती है जिससे खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। ट्यूबवेल की उसका परमिशन है, भिकाजी प्लांट के बाद में 2 ट्यूबवेल की परमिशन है, जिसके पानी का उपयोग जो है फूड प्रोसेसिंग में करता है। तो अगर वो फूड प्रोसेसिंग में वो उन ट्यूबवेल्स का पानी लेता है, तो हमारा ये कहना है कि वो जो पानी जो है वो जो पानी भरा हुआ है, प्रदूषित पानी है, वो कहीं ना कहीं जो है उस ज़मीन में जा रहा है, और ज़मीन से जब दोहन करके वो दो ट्यूबवेल से जो पानी निकाल रहा है, जिसका जो उपयोग कर रहा है वो फूड प्रोसेसिंग में, वो उसको अफेक्ट कर रहा होगा। मतलब वो खाने पीने की जो चीज़ें जो बन रही है, जो बाजार में भुजिया आ रहा है, भिकाजी का भुजिया, वो उस पानी से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, ये हम कह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस एरिया में भिकाजी फूड प्लांट है वहाँ के पानी का TDS करीब 2000 से भी ऊपर हो सकता है। कैसे TDS लेवल हेल्थ को प्रभावित करता है, आइए आपको समझाते हैं। पानी का TDS जब अंडर 300 होता है तो इसे एक्सेलेंट माना जाता है। 300 से 600 के बीच इसे गुड क्वालिटी माना जाता है। 600 से 900 के बीच इसे फेयर कहा जाता है, लेकिन 900 से 1200 के बीच में से पुअर और 1200 से ऊपर इसे अनएक्सेप्टेबल की श्रेणी में रखा जाता है। गंदे पानी की कहानी कोई आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से ये पानी यहाँ जमा है और धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। कई सालों से इस इलाके में गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। करीब 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रदूषित पानी फैल गया है। 1,30,000 वर्ग मीटर पर कचरा डालकर अतिक्रमण किया गया है। 1,70,000 वर्ग मीटर में सैकड़ों फैक्ट्रियों से सीवरेज का पानी आ रहा है। इसके ठीक सामने भिकाजी का 60,000 वर्ग मीटर का फूड प्लांट है। सीवरेज पानी के लिए 2017 में CETP प्लांट प्रस्तावित था, लेकिन अब तक यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सका। अब यही पानी भूजल को भी लगातार प्रभावित कर रहा है। इसी भूजल को 2 ट्यूबवेल के जरिए उपयोग करने का आरोप है। इतनी लापरवाही के बावजूद बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कैसे भिकाजी फूड प्लांट को संबंधित विभागों की ओर से लाइसेंस और NOC जारी कर दी गई। केंद्र सरकार के FSSAI ने फूड लाइसेंस दिया है, केंद्र सरकार के APDA ने खाद्य उत्पादों के निर्यात संबंधी लाइसेंस दिए हैं, केंद्र सरकार की एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने खाद्य उत्पादों के निर्यात संबंधी लाइसेंस दिए हैं, केंद्र सरकार के केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल दोहन के लिए अनुमति दी है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कंसेंट टू ऑपरेट दिया है, राज्य सरकार के RICO ने भूखंडों के आवंटन के समय तय शर्तों की अनुपालना की है। ऐसा नहीं है कि महावीर सिंह तंवर और ज्ञानेश कुमार ने संबंधित विभागों तक इसकी सूचना नहीं पहुंचाई। इनका कहना है कि पूरी जानकारी देने के बावजूद भिकाजी फूड प्लांट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट्स हैं,
पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है और जो भी अधिकारी जो रिलेटेड हैं उन सबको हमने पत्राचार किया है। एनजी टीमेट जो हमने शिकायतें की हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करें और हमारी शिकायत पर संज्ञान लेके इस पर जो भी मतलब ऐसा अफेक्टिव एक वो निकालें कि रास्ता निकले और क्लियर करें कि साहब ये खाने की चीज़ें जो है जो बीकाजी बना रहा है ये खाने की चीज़ें बिल्कुल हाइजीनिक हैं और वो पानी जो है उससे अफेक्ट नहीं हो रही है, ये हमें जवाब दें और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इन सभी आरोपों को लेकर जब हमारी टीम ने बीकाजी ब्रांड का पक्ष जानने की कोशिश की तो उसके प्रतिनिधि ने रटा रटाया जवाब दिया और आरोपों को निराधार बताया। ये जो नाला गंदा पानी इसका हमारे से कोई लेना देना 1% भी नहीं है, पर हम इस पे जवाब देके भी कोई मतलब हम इस पे किसी भी तरीके का कोई जवाब देना भी नहीं चाहते हैं। ना तो वो हमारी दीवार के पास है जी, ना तो मुझे, पर मेरे को सर इन बातों को कोई जवाब देना नहीं है जी। आप खैर कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि संबंधित विभागों की ओर से कम निरीक्षण किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को स्वच्छ उत्पाद खाने को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।